Let's discuss example 83 from S. L. Arora, class 11th. If a number of little droplets of water, each of radius r, coalesces to form a single drop of radius capital R, तो हमें बताना है कि जो rise in temperature होगा, it will be given by this formula, sigma is the surface tension, और जो j है वो है mechanical equivalent of heat. पहले मैं आपको कुछ basic concept बता देता हूँ. जैसे अगर आप किसी यहाँ पर n number of drops जुड़ करके एक सिंगल ड्रॉप बनाए तो जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज करता है. इफ नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट कोलेसिस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप तो क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा. ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए आपके पास एन नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, एक बड़ी ड्रॉप वो बढ़ रही है तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा. इफ अ सिंगल ड्रॉप ब्रेक इंटू स्मॉल, यानी कि बड़ी है और वो छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रही है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. और जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो होती है 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स. कुछ फॉर्मूले में बेसिक बता देता हूँ. जैसे जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है mc∆T. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेल्टा टी की जगह डेल थीटा दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले को टी की जगह डेल थीटा लिख लेंगे. ठीक है, ये क्या है, हीट है यहाँ पर और ये चेंज इन टेम्परेचर. इसके अलावा जो रिलेशन है हीट और वर्क डन में वो होता है हीट इक्वल टू वर्क अपॉन में जे इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. और डब्ल्यू क्या है, एनर्जी इवॉल्व जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. यहाँ पर क्योंकि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बड़ी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रही है तो जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी और टेम्परेचर राइज करेगा उसकी वजह से. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो वॉल्यूम होती है स्फीयर की उसके लिए फॉर्मूला होता है 4/3 πr³. और जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr² और एक फॉर्मूला और, एनर्जी इक्वल टू होगा सरफेस टेंशन. मैं इसको सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया. तो ये जो डब्ल्यू हम निकालेंगे वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, सरफेस टेंशन की मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज इन एरिया में. तो अब क्वेश्चन पर आते हैं फिर से. तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं तो मैंने मान लिया कि जो एन है स्मॉल एन इट इज द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स. अब आप ये देखिए जो एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं वो सब मिल करके एक बड़ी ड्रॉपलेट्स बन रही है तो जो वॉल्यूम होगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी. इसका मतलब ये है जो इन सब की वॉल्यूम होगी, मतलब कि एक छोटी 4/3 πr, मैंने माना कि इसका रेडियस स्मॉल r है और इसका कैपिटल r, तो 4/3 πr³ उसमें n की मल्टीप्लाई कर दो तो सबकी वॉल्यूम आ जाएगी. तो ये जो टोटल सभी ड्रॉपलेट्स की वॉल्यूम होगी इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल बिगर ड्रॉप 4/3 πR³. यहाँ से 4/3 πr कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ स्मॉल n इंटू r³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल आर की क्यूब, या स्मॉल एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर की क्यूब अपॉन में स्मॉल आर की क्यूब. इसको हम यूज करेंगे. अभी मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी इवॉल्व का फॉर्मूला होगा, एनर्जी वो होगा सरफेस टेंशन, मैं इसको सिग्मा लिख रहा हूँ, इनटू में चेंज इन एरिया. सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया कितना होगा, तो देखो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ये मिलके एक बड़ी ड्रॉपलेट्स बन रही है तो टोटल जो एरिया होगा वो डिक्रीज होगा. तो इसका सभी का एरिया लेना पड़ेगा हमें हर एक स्मॉल ड्रॉप का, वो होगा एन इंटू में 4πr² ये तो होगी जो जब ये सिंगल अलग अलग ड्रॉप थी तब का एरिया. इसको माइनस कर देंगे जो बाद वाला एरिया है, यानी कि 4πR² से. ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन एरिया, मतलब पहले जो एरिया था उसमें से माइनस कर दिया जो बिगर ड्रॉप का एरिया है. अब आप यहाँ पर देखें यहाँ पर 1/r - 1/r आ रहा है तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन लेना होगा, एनर्जी इक्वल टू सिग्मा और 4π अभी हम कॉमन ले सकते हैं. स्मॉल n की वैल्यू यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कैपिटल R की क्यूब अपॉन में स्मॉल R की क्यूब मल्टीप्लाई 4π² आ गया. एन की वैल्यू पुट करिए ये हो गया R² - R²
देखो आर के स्क्वायर से आर के क्यूब पर कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ 1/r बचेगा, मैं लिख रहा हूँ उसको सिग्मा इंटू में 4 पाई आर के क्यूब अपॉन में स्मॉल आर माइनस आर का स्क्वायर। और फिर यहाँ से हम फिर से कैपिटल आर के क्यूब कॉमन लेंगे, 4 पाई सिग्मा कैपिटल आर के क्यूब, ये क्यों लिया हूँ बताते हैं। देखो यहाँ पर 1/r माइनस 1/r आ रहा है ना, यहाँ पर 1/r आ जाएगा तो आर के क्यूब आ गया, तो यहाँ से बचेगा 1/r माइनस आर स्क्वायर है लेकिन आर के क्यूब कॉमन लिया तो हमें यहाँ पर नीचे 1/r से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो ये आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो फिर से आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया एनर्जी। तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी इस एनर्जी की वजह से इट विल बी इक्वल टू एनर्जी अपॉन में जे, जे इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो एनर्जी हमने फाइंड कर ली कितनी, 4 पाई सिग्मा आर के क्यूब अपॉन में जे इंटू में 1/r माइनस 1/R। मैंने आपको बताया था जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है एम सी डेल्टा टी। एक और चीज आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम का, तो मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी तो लिख सकते हैं, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब बिगर ड्रॉप के हम वॉल्यूम लेंगे तो वो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब। तो हीट को हम चेंज कर लेंगे, एम को हम चेंज कर रहे हैं रो इंटू वॉल्यूम में, और वॉल्यूम को लिख लिया 4/3 पाई आर की क्यूब। तो रो मतलब डेंसिटी, 4/3 पाई आर की क्यूब सी इंटू डेल्टा टी। एक और चीज जो हीट होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 g/cm³, और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होगी वो होती है 1 K g·1 °C। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमें कितना मिलेगा, 4/3 π आर की क्यूब इंटू डेल्टा टी। मैं यहाँ पर ये टेम्परेचर ले रहा हूँ, उसको बाद में डेल्टा थीटा लिख लेंगे। तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा 4/3 π कैपिटल आर की क्यूब डेल टी मतलब टेम्परेचर चेंज। अब 4 π r³ से 4 π r³ कैंसिल होगा तो चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू आ जाएगा 3 जाएगा यहाँ पर 3 सिग्मा अपॉन में जे 1/r माइनस 1/R। और यही हमें फाइंड भी करना था, डेल्टा थीटा मतलब क्या टेम्परेचर। तो ये वही है, डेल्टा थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 सिग्मा अपॉन में जे 1/r माइनस 1/R। मैं लिख देता हूँ डेल्टा थीटा इक्वल टू